सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। क्या पागलों का इंटरव्यू लेना पड़ रहा भाई, दिमाग खराब हो जा रहा है। इन्हें तो दीवाना दिख रहा है मेरे को, सूरत भी दीवानों की जैसी है इसकी। क्या बोले सर? हाँ, से समथिंग अबाउट यू। क्या बोले सर? आई सेड से समथिंग अबाउट यू। क्या बोले सर? अरे मियाँ, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलो। क्या क्या बोले सर? दीवाने, उठ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। अरे सर, मैं खाली पूछा सर। टी शर्ट पहन लेके इंटरव्यू देने को आया, पिकनिक पे आया? अरे जाप। अरे सर, मैं खाली पूछा सर, क्या हुआ, कहीं गर्म हो जा रहे? अरे सर, टी शर्ट पहन लेके इंटरव्यू देने को आया, समझ में नहीं आ रहा पूछ रहे तो गो गेट आउट। हां सर, ऐसा गर्म हो जा रहे, इंटरव्यू पूछने के आते ना। टी शर्ट पहन लेके इंटरव्यू देने को आया? हां, किधर रिज्यूम कहां है? अजीम नीचे है ना, बड़े साहब भेजा है मेरे को। अच्छा, बड़े साहब बैठे हैं जी, बैठिए। हाँ, तो आपका नाम क्या है? अली एक्सप्रेस। नहीं नहीं, आपका फुल नेम क्या है? माई नेम इज अली, सुन जरा मन चली, दिल चुरा के मेरा तू कहाँ चली, एक्सक्यूज मी टू प्लीज, हमारे घर का नाम है। साहब भी कैसे कैसे पागलों को भेजाते कि समझ में नहीं आता हूँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन कहाँ से आता हूँ, क्वालिफिकेशन मंगा लेंगे, आ जाता दो चार दिन में, अगर बोले तो मंगा लेता हूँ, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बड़े साहब को मालूम अपने बारे में? आपको एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस 40 साल का है। 40 साल का? हाँ। वो कैसा? हमारे बाबा क्या बोलते हैं मेरे को, मैं उम्र में छोटा हूँ मगर तजुर्बे में उनसे ज़्यादा हूँ, तो उनका मेरा मिला के 40 हो गया। वेरी गुड। डाटा एंट्री आता आपको? एंट्री फ्री है जी अपने को, फ्री एंट्री। बड़े साहब को पूछो तो किधर भी एंट्री फ्री है, अपने को एंट्री की टेंशन है ही नहीं। टैली आता आपको? क्या पूछ रहा है भाई, टैली वैली, टैली से तो कभी माल मंगाया नहीं भाई। अरे क्या सवाल पूछ रहे भाई तू मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है बार बार। टैली वाली वाली, जरा थैली दियो, वहां से थैली दियो। कई की थैली? अभी बोला ना, अजीम नीचे खड़े हुआ बोल के, आमों के पोटलियां बन के रखा उन्हें, जरा तुम थैली दिए तो मैं उसमें डालता हूँ, तुम बड़े साहब को दे दो जाके। अरे वो पागल, चल वहां रिसेप्शन पे जाके ले थैली ले, आया करते अंदर दीवाने, इधर इंटरव्यू चल रहा मालूम है तेरे को, जाओ उधर बाहर। तो अरे उठ, क्वालिफिकेशन कहीं को ऑर्डर कर रही थी तुम? अरे जाने तो मारता हूँ तेरे को, उठ जल्दी। क्वालिफिकेशन कुछ भी फ्रूट है क्या, ड्रैगन फ्रूट के सर का? अगर फ्रूट है तो बोलो, क्वालिफिकेशन भी मंगा लेता हूँ मैं, चल निकल बाहर जल्दी। कौसा फ्रूट है साहब, क्वालिफिकेशन बोले तो? दीवाने कहेंगे कहाँ कहाँ से क्या, जा वहां रिसेप्शन पे ले थैलियों ना, बेकार लोग काम पे लगा के रखते। आओ मेरे कन तो भी ड्यूटी कर लो, आओ जा। पागल मारू, अजीब अजीब लोग आ रहे इंटरव्यू के वास्ते, दिमाग खराब हो जा रहा है इसकी, माँ की मुसीबत। आना जी बा। हाँ, वॉशरूम वहां पे है या इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे? अरे वॉशरूम को नहीं जी बा, इंटरव्यू देने आई हूँ। ओहो, इंटरव्यू देने के वास्ते आए या लेबर अड्डे पे आए? अरे इंटरव्यू देने आए जी बा। अरे इंटरव्यू देने ये लिबास पहन के आते हैं, वो तरीका है तुम्हारा ये लिबास पहनने का? ये चड्डी पहन के आते हैं इंटरव्यू देने? अरे तुम्हें मेरा लिबास मेरा ड्रेस क्या देख रही थी, मेरा टैलेंट देखो और मेरी नीयत देखो, तुम्हें एक बार इंटरव्यू लिया और देखो और। अरे मियाँ, हर जगह जाने का एक लिबास रहता, स्कूल को गए तो यूनिफॉर्म रहता, कोर्ट को वकील काला कोट पहन के जाता, हर जगह का एक यूनिफॉर्म रहता, ये तुम ऐसी चड्डी पहन लेके इंटरव्यू देने के वास्ते आते बेवकूफ। एक बार इंटरव्यू लिया और देखो और। बैठो, ठीक है बैठो, सबका इंटरव्यू लिया, तुम्हारा भी लेंगे, बैठो। पेपर लियो। नाम क्या है आपका? पेपर में लिखे हुआ है तो पढ़ लियो। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? इसमें लिखे हुआ है, पढ़ लियो जी बा, पढ़ने आता तो तुम ना। अरे अगर से सब लिखा हुआ है तो मैं तुम्हारे से बात क्या करूं फिर? मैं पूछने का क्या है जी, जो इसमें नहीं है वो पूछो। तुम इंटरव्यू देने कहीं को आई है? मैं हमारे घर वाले पीछे पड़ी, कहाँ तो भी नौकरी ढूंढ लेकर जॉब कर ले बात जिंदगी बनती है बोल को, तो मैं आई हूँ उठा को। ये कंपनी कहीं को? बशीर भाई। बशीर भाई है तो? बशीर भाई तुम्हारे बास हमारे बाबा के बहुत जिगरी चड्डी बड्डी यार, उन्हों बोली जाकर इंटरव्यू दे दे रहे बाप बोले, तो मैं इधर आई हूँ। अच्छा, सैलरी कितनी होना तुम्हारे को? तुम्हें कितनी दे सकती वो कहो। 3 लाख पर एनम। अनम को क्यों देती जी, मिंदे दियो, मैं मेहनत करूं तो। अरे ओ बेवकूफ, मेरा बोलने का मतलब 3 लाख सालाना। 3 लाख?
अरे मेरे पास और 6-6 लाख के 6 भैंसा ही, तुम ही आकर मेरे कहीं जॉब कर लियो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ साल के। अब तू जॉब पे रखेगा मेरे को? हाँ। देख लड्डू, ना तेरी जबान अच्छी है, ना तेरा लिबास अच्छा है, तू कहीं को आया इंटरव्यू देने के वास्ते? देखने कोई सलीका तरीका है तेरे पास? अजय चल उठ। हाँ मिंजे मिंजे उठ चल बोल रही। अरे फिर तू चड्डी पहन के इंटरव्यू देने को आया? चल निकल यहाँ से बाहर निकल। जी तुम्हें तुम्हारी हालत देख लो जी। हाँ जब से क्या बोल रही लिबास हूँ जबान हूँ, तुम्हारी क्या अच्छी है जी जबान, तुम्हारी क्या अच्छा है लिबास है? परसों जुम्मा के दिन क्या करी हरकत तुम्हें मस्जिद में? मैं क्या करा? हमी लोग नमाज पढ़ को सलाम पढ़ लेते थड़ी, तुम्हें पीछे से तुरुरुरु लंगे पैर भाग लेते हैं, कच्चे पैर से पूरी मस्जिद में तुम्हारे टांगों के निशाना छूटी, ये कोई तरीका हुए हैं? और तुम्हें आको भट्ट करनी तकबीर बन को ठहर गई, पैसे भी ऊपर नहीं करी, ये क्या तरीका हुए? और रुकू में गए तो तुम्हारी जो रूपा की चड्डी दिख रही है, एक एक तो खुद की नमाज खराब करके दूसरों की भी नमाज खराब कर रही तुम्हें, उसके अलावा और सजदे में गए तो तुम्हारी पूरी डिक्की दिख रही है, ये कोई तरीका है वे है? तुम्हें इतने बड़े बड़े बात कर रही, लेबर अड्डे पर आए क्या, हर जगह पर आने का लिबास रहते है बोल को, तुम्हें ना नहीं मालूम, तुम्हें तो पढ़े लिखे हैं तो जी, अल्लाह के घर को जाने का तुम्हें तौर तरीका नहीं मालूम, अल्लाह के घर का भी एक लिबास रहते, अच्छे ढंग के कपड़े पहन को आना, नमाज पढ़े जैसे कपड़े पाक रहना, उससे दूसराओं को तकलीफ नहीं होना बोल को, ये समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ बड़े बड़े बात कर रही जब से लिबास कहते लिबास, हाँ तुम ही बोलो। हेलो हाँ आतू आतू आतू, वो भैंस को चारा डाल पर से लाई नहीं, उसे चारा डाल और उन्हें गोबर करती है रे बा, जरा उसे अंदर लिख जा को रखो, साफ करने तो बो आती है। हाँ आतू आतू आतू, घास पूस ले को आतू तू, रख। अरे वो बेवकूफ, यहाँ इंटरव्यू चल रहा तो फोन पे उठा के बात करा, साइलेंट पे रखना मालूम नहीं? तुम ना कोई तरीका है, है? तुम्हें नमाज पढ़ को सलाम फेरे की नहीं कि दुआ करे बगैर फोन उठा को खुशपुस कर रही, हम ना वहाँ तकलीफ हो रही है वहाँ सलाम पढ़ते खुद, और क्या तुम्हें फोन भी साइलेंट पर नहीं डाली, तुम्हारा फोन पर काके रिंगटोन बज रहे, जिले ले जिले ले आयो आयो जिले ले, अरे पहले थोड़ी अकल ले, बात आ कर रही। देखो जी बा, मैं तुम्हारा जाब गिफ्ट क्या भी लेने करने नहीं आया हूँ, बशीर भाई हमारे बहुत बाबा के दोस्त हैं, 8 दिन से मैं तुम्हारा ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके, मिंजे आज मालूम पड़िया, तो ऐसा इंटरव्यू के बहाने से आई हूँ समझ रही? देखो जी बा, हम ही पढ़े लिखे जाहिल नहीं, हमें भी पढ़ी नहीं बोल को नहीं, मगर तरीका रहता है, ऐसा नक्को करो, कितनी बार बोलना जी, इमाम साहबा बोलती ढंग के कपड़े पहन को बोल को, हाँ इमाम साहबा बोलती फोन है साइलेंट पे डाल लो बोल को, कितनी बार बोलना, तुम्हें इंसानिस तो जी, हमारे भैंस को एक बार खेत को लिख जा को लाया तो पूरा रास्ता मालूम होता है उसे, तुम ना देखो तो क्या भी नहीं, जरा अगली बार से ऐसा देख लियो, क्या भी दिल पे नक्को लो जी बा, हाँ मैं तुम ना अच्छा रहना बोल को बोलिया, हाँ जातो है जातो, अगली बार से जरा अच्छे कपड़े पहन लेकर नमाज पढ़ो, नहीं कहते दूसरों को तकलीफ हो रही जी बा, हाँ जातो जाना, ठीक है जो अल्लाह, दिल पे नक्को लियो।